हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एचएएल में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। एचएएल हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड में डिप्लोमा टेक्नीशियन के पोस्ट पे जॉब आई हुई है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये डिप्लोमा टेक्नीशियन के पोस्ट में जो वैकेंसी आई है ये रहेगी आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है ये 4 साल का रहेगा, 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड में, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोस्टिंग भी दिया हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पोस्ट बैंगलोर, जोधपुर, राजस्थान, भुवनेश्वर, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, अंडमान निकोबार, चेन्नई, वाइजेक, असम एंड पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे लोकेशन में जो है आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, या तो मैकेनिकल ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल ब्रांच वालों लोगों के लिए 80 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों लोगों के लिए 49 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए 8 पोस्ट रखा गया है इस पोस्ट के लिए, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। और इसमें सब पोस्ट, सब डिग्री की बात करें, सब ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल वाले में अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर डिप्लोमा इन प्रोडक्शन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वालों लोगों के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों लोगों के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांच से अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और ये जो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो एडुकेशन, टेक्निकल एडुकेशन है, वो आपका 10th+3 ईयर सिस्टम में होना चाहिए। मतलब 10th के बाद, आपका 10th पास होने के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा का डिग्री, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज या फिर एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो डिप्लोमा में आपका 60% एंड अबव होना चाहिए यूआर एंड ओबीसी वाले लोगों के लिए, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी PBW वाले लोगों के लिए 50% एंड अबव होना चाहिए परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। और एक चीज इसमें दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हैं, मतलब जिसका हायर डिग्री है, सपोज आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हुआ है, तो आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो, नॉट एलिजिबल, ठीक है। आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो, केवल डिप्लोमा वाले ही लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और बात करें एज लिमिटेशन का, तो एज जो रखा गया है वो एज है इसका 28 ईयर, एज जो है वो है 28 ईयर, मैक्सिमम एज रखा गया है यूआर वाले लोगों के लिए, और एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। और बात करें पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये जो टर्नियर एंगेजमेंट है, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 4 ईयर का रहेगा और फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट वगैरह। प्लेसमेंट और पोस्टिंग की मैंने पहले ही बात कर रखी हुई है, तो ये सारा लोकेशन है जिसमें आपका पोस्ट दिया जा सकता है। अब सैलरी की बात करें तो बेसिक पे इसमें आपका 23,000 प्लस अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंस, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है ये सारा कुछ मिलेगा। सो टोटल अप्रोक्स देखें तो 57,000 पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है इस जॉब में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा इसके मतलब सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसीड्यूर ये है। अप्लाई करने के लिए लिंक जो है आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो लिंक है इसमें आपको इसका कैरियर सेक्शन में जाकर अप्लाई करने का फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने का वो है 16 मार्च, 16 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है और फॉर्म ऑलरेडी फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 6 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम डेट भी रिटर्न टेस्ट का जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो आपका केवल बैंगलोर रहेगा, बैंगलोर में ही आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। और ये जो एग्जाम होने को है इसका भी डेट दिया गया है, एग्जाम जो आपका होगा वो 24 मार्च को इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब जो रिटर्न टेस्ट है, वो रिटर्न टेस्ट जो होने वाला है उसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है
2.5 आवर का टोटल 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और ये जो एग्जाम है इसमें तीन पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तीन पार्ट में रहेगा, जिसमें से पार्ट वन जो है उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, पार्ट टू में 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग से रिलेटेड, एंड पार्ट थ्री जो रहेगा उसमें 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, आपके ब्रांच से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक जो मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा, इच मार्क्स के जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का रहेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में HAL में आई हुई डिप्लोमा टेक्नीशियन के पोस्ट में ये सारा कुछ डिटेल्स था। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना है, क्योंकि डेट जो रखी गई है इसकी वो है 16 मार्च। ओके, थैंक यू।